सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप पर और यूट्यूब पर पूछ रहे थे कि शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी जरूर हुई होगी कि आप शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहते हो लेकिन आपसे लग नहीं पाती है। तो वो कैसे लगाते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे भाइयों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो शॉर्ट वीडियो में थंबनेल नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अपन अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थंबनेल कैसे लगाते हैं ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि YT स्टूडियो में जाकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि YouTube से अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। शॉर्ट वीडियो की एक मिनट से कम वाली जो वीडियो होती है वो शॉर्ट वीडियो होती है। तो आपने अभी उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अपलोड कर देने के बाद आपको YT स्टूडियो ओपन करना है। YT स्टूडियो ओपन कर देने के बाद आपको वहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग ये सब कुछ लगा देना है और वहाँ पर आपको सेव कर देना है। यहाँ पर अनलिस्टेड ही रखना है आपको और पब्लिक नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, तो सेव कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक मोबाइल है, इस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ और मैं क्रोम ब्राउजर खोलता हूँ। जैसा कि मैं जैसा खोलूँ वैसा के वैसा आपको भी ऐसे ही खोलना है। मैं जैसा क्रोम ब्राउजर खोलूँ वैसा आपको करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि थंबनेल कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर आपके सामने इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया है, ठीक है? यहाँ पर मैंने डायरेक्ट अपने यूट्यूब को लॉगिन कर लिया है क्रोम ब्राउजर पर जाकर। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर मैं जूम करके बता देता हूँ, यह कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन दिख गया आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर यह लोड होगा, ठीक है? और यहाँ पर आगे क्या करना है वो प्रोसेसिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लोड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर लोडिंग कर रहा है। थोड़ा नेट प्रॉब्लम है मेरी तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर ये लोड होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर मैं जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक दूसरे नंबर पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, कॉन्टेंट पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएगी जो कि हमने अपलोड की थी। तो दोस्तों यहाँ पर मान लो कि मेरी ये अनलिस्टेड वीडियो है, फर्स्ट वाली 22 मई 2022 की यहाँ पर वीडियो है। इस पर क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर मैं गलती से पास वाले आइकन पर क्लिक हो गया। तो यहाँ पर आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आप थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे थंबनेल लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है आपको और थंबनेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो थंबनेल है वो यहाँ पर आप क्लिक करके लगा सकते हो। तो इस टाइप से आप अपनी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताना आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व आराम से करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।